hands up when the beat drops. सुंदर सुंदर गाड़ी, सुंदर सुंदर रिजॉर्ट और बहुत ही प्यारा सा मौसम। भाई साहब क्या दिन है। तो भाई अभी अभी जस्ट हम लोग पहुंचे थे, अभी हमको एक घंटा हो चुका है, एक घंटे से ज्यादा हो चुका है एक्चुअली यहाँ पहुंचे हुए। अभी हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। खैर, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन गाइस। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई ये है ब्लॉग टू। इसके बाद जो कुछ वीडियो होंगी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, बिकॉज ये रिजॉर्ट इतना प्यारा है, ये रिजॉर्ट इतना खूबसूरत है और इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, तो वो एक सेपरेट वीडियो रहेगी। बाकी हम लोग यहाँ पे कैसे मस्ती कर रहे हैं वो आप मेरे जो नॉर्मल ब्लॉग होते हैं उस पर देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए बस अभी प्लान यही चल रहा है कि जाते हैं नीचे की तरफ, कुछ खाना पीना खाते हैं, प्लस मैं थोड़ा सा शूट करना चाहूँगा इस जगह को, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो चलो फिर चलते हैं नीचे की तरफ, इन लोगों को भेजते हैं, फिर मैं इन लोगों को में ज्वाइन करूँगा। ये सब लोग चले भी गए नीचे, फोटोग्राफी चल रही है इन लोगों की। वो लोग उधर हैं, मैं भी बस नीचे जा रहा हूँ, चार तार लगाने के लिए आया था और थोड़ा सामान लेना था वो ले लिया है। अब चलते हैं। अब शॉपिंग का मन कर रही है इन लोगों का यहाँ पे। यार लेकिन मौसम कितना प्यारा हो गया, देखो ये पूरा कोहरा है, कोहरे में सब लोग बोटिंग कर रहे हैं। चले आया कुछ। घूम फिर के फाइनली बैक टू आवर होटल। दिस इज ब्यूटीफुल, देखो कितना प्यारा लग रहा है। भाई अभी शाम के बज रहे हैं 8:30 और आकांक्षा मैम और मैं दोनों यहाँ बैठे हुए थे और तब हमको पता चला कि हमारे स्नैक्स भी जो है वो इंक्लूडेड है, लेकिन वो भाई साहब लोग जो हैं वो लोग अभी तक सोए ही हुए, मतलब शाम को हम लोग आए थे घूम फिर के तो वो लोग सो गए थे और तब से अभी तो वो लोग उठे नहीं है। आ गए क्या? चलो सर तो आ गए एटलीस्ट। नाउ लेट्स वेट फॉर कुपेश एंड सिमरन एज वेल। सिमरन भी सोई हुई थी, कुपेश भी सोया हुआ था, अब देखते हैं आते हैं वो लोग फिर हम खाते लो स्नैक्स आपके लिए। चलो भाई बाहर स्नैक्स करने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर। क्या है आपके खाने का मन? Let's see what we have. So भाई आप लोगों में मेन्यू से रूबरू करवा दूं। आप क्या ले रहे हैं मैम? सैलेड ही खाओगी क्या? So we have soup, we have फ्राई पनीर, we have mixed vegetable, we have दाल मखनी, we have onion mint pulao, we also have सेवई खीर। Okay now this is what I'm gonna try. And chicken curry home style. Thinking about forever, I won't care if we don't end up together. Let's get high tonight, 'cause fun can we feel, yeah. But for now, I won't give it all away. Salad over here. Okay. Then we have options for soup,
Okay. So we have vegetable hot and sour soup. All right. Then we have papad. Then we have kadhai paneer. Okay, for vegetarian guests, we have kadhai paneer. And we have mixed vegetable. And then we have dal makhani, onion mint pulao. Okay. Cut. ठीक है चलो कोई बात नहीं लेट्स कम बैक टू इट तो भाई ट्राई करते हैं दाल मखनी राइस है मैं ना से आई टू आई टू वी कैन बी चिल फॉर जस्ट दिस मोमेंट सो टर्न आउट द लाइट अब पेट पूजा करने के बाद भाई कोई ऐसी जगह जाए जहां सब दोस्त लोग बैठ पाए यार लोग बातें कर सके यस कम ऑन खाना पीना खाने के बाद और थोड़ी देर मस्ती करने के बाद अब आ गए हम अपने अपने रूम में और रूम में आने के बाद अब बातें चल रही थी ऐसी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से फीडबैक लिया जाए मैम को लेकिन मैम को कुछ भी कहो इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे बेचारी को कि शॉल वॉल ओढ़ के बैठी हुई है तो गोपू आज आपको पेट भर के खाना मिला नहीं मिला यहाँ पे ये बताओ बहुत डेजर्ट अच्छा था ना हाँ मैंने भी दो बार खाया इसने भी दो बार खाया आपको कैसा लगा मैम खाना Amazing. खाना वाज गुड ना बराबर थी एवरीथिंग वाज परफेक्ट यस तो चलो एट द एंड मतलब कि सब कुछ बढ़िया था आज का दिन हम लोग वैसे थके हुए थे काफ़ी ज़्यादा बिकॉज ट्रैवलिंग थी उसके बाद फिर हम आए फिर थोड़ा काम था फिर घूमने भी गए तो एट द एंड बढ़िया हो गया सब कुछ तो फिलहाल के लिए अब टाइम जो है काफ़ी लेट हो चुका है 11 बज चुके हैं सब लोग जा रहे हैं अपने रूम में हम भी जाते हैं हम दूसरा रूम में मैम और सिमरन जो यहाँ पे सो रहे हैं हम लोग दूसरा रूम में चले जाएंगे तो बस यही है बाकी मौसम यार यहाँ का बड़ा मस्त हो रहा है विदाउट एसी भी इतना ठंडा हो रहा है कि हमको ओढ़ के सोना पड़ता है कल का दिन जो है हम लोग एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी इन्हीं की प्रॉपर्टी है मतलब ए नेचर्स जिनकी तरफ से हम लोग आए हुए हैं उन्हीं की एक और प्रॉपर्टी है जो कि नैनीताल की एक बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे हम लोग का कल जाना होगा और उसके बाद देखते हैं कि कैसा लगता है वहाँ पे जाके इतना खूबसूरत सा मौसम ठंडा ठंडा और इस सुबह की धूप वैसे तो मन था कि हम लोग जाएं अभी कहीं घूमने फिरने के लिए सुबह का बिल्कुल सनराइज देखें लेकिन इतने ज़्यादा थके हुए थे और इतनी अच्छी सी नींद आई थी इतनी कोजी सी नींद इतना कूल इतने मस्त मौसम में सोए थे तो खैर मज़ा ही आ गया यार और फिलहाल के लिए अभी मैं तो जैसे उठाऊँ गोपी भैया और जो सारे मतलब तो सोए पड़े हैं मैम और सिमरन भी अपने वाले रूम में पता नहीं उठे हैं नहीं उठे हैं मैंने भी बात नहीं करी है तो फिलहाल के लिए भी टाइम हो रहा है 8:30 और वैसे तो ब्रेकफास्ट का टाइम है तो थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं उसके बाद मैं देखता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छा सा एंड देन और एक और चीज़ जो मैंने आपको कल बताया था कि आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत से रिजॉर्ट पे वैसे हम लोग सिर्फ साइट सीइंग के लिए जाएंगे हम लोग वहाँ पर रुकेंगे नहीं तो वहाँ भी जाना है और वहाँ जाकर देखते हैं कैसे होता है बाकी यार मतलब कहते हैं वेदर इतना खूबसूरत सा मौसम अभी तो हल्के हल्के बादल लगे पता नहीं वैसे आज बारिश तो नहीं होनी चाहिए बिकॉज धूप आई हुई है लेकिन यहाँ की धूप भी इतनी प्यारी लगती है मतलब जैसे सर्दियों की धूप होती है ना वैसी वाली धूप है बिल्कुल ऑसम मैंने अभी जस्ट खिड़की खोली है वैसे ये बंद थी क्योंकि बहुत ठंडा है ये देखो अंदर की जो हमारी बॉडी जो हीट होती है उसकी वजह से यहाँ पे पूरे भाप बन रहे हैं फॉलो बाई एम वी ऑन यूट्यूब पे उल्टा लिखा है बाहर से सीधा दिखा दे रहा होगा अब होते हैं थोड़ा सा फ्रेश और उसके बाद पे चलते हैं नाश्ता देखते हैं कि क्या क्या नाश्ते में है तो भाई आज मेरा जो ब्रेकफास्ट होने वाला है इट इज़ सेमई वाला उपमा नारियल की चटनी विद इडली और चाय टोस्ट भी है टोस्ट भी खाएंगे भाई साहब जो अपना अभी हेल्दी हेल्दी सा थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन ले रहे हैं ही बिलीव्स इन अलग 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 पोर्शन हाँ और आप क्या खा रही हैं आज अरे वाह हम लोग यहाँ पे अभी 100% इंडियन खाना खा रहे हैं वो भी साउथ इंडियन खाना और साउथ इंडियन खाना जो होता है वो हमेशा हाथ से ही खाया जाता है और लुक एट देम इडली को खा रहे हैं चम्मच से वो सेंस इस बात का चलो ठीक है इसको तो हम खा सकते हैं चलो ठीक है इसे उसको खा सकते हैं जो उपमा है एवरीथिंग इज पॉसिबल बट अगर आप एक इंडियन क्विजीन को एंजॉय कर रहे हो सो
उसकी ऑथेंटिसिटी को मत वो करो ना। चलो कोई बात नहीं, उनको खाने दो, हम तो ऐसे ही खाएंगे भाई, हाथ से खाएंगे हम तो भाई 100% इंडियन। नींद मस्त आई ना, सो कम्फी भाई साहब का हेल्दी हेल्दी खाना, मसाला ऑमलेट वेरी नाइस। हाँ वो शॉप क्वालिटी से तो कब लाख गुना अच्छा है। मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि हम नैनीताल में कट मैं नेपाल बोलने वाली थी। मैं सजेशन देना चाहूंगी कि नैनीताल में स्ट्रीट फूड कोई भी ना खाए, क्योंकि सब बहुत ही ज्यादा बकवास था, कोई भी वर्थ नहीं था, कोई भी वर्थ ऑफ मनी नहीं। टूरिस्ट प्लेस का मतलब कोई टेस्ट नहीं है, कोई नमक मसाला कुछ भी नहीं है, बस दे दे एग्जैक्टली। अच्छा है कि आप डबल ए होटल बुक कर लो एंड यू कैन हैव ब्रेकफास्ट एंड डिनर, यहाँ का अमेजिंग होता है, तो आप देख सकते हैं। ये तो खाना पड़ेगा, मतलब खाना इज वेरी डिलीशियस। और क्या चाहिए हमको। तो गाइज हमारा जो स्टे है, स्पेशली जो हमारा फूडिंग वाला जो टाइम होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, चाहे डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, इतना अच्छा जो एक्सपीरियंस हमारा रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे साथ है भैया। भैया अपना प्लीज नाम बताइए। कमल। कमल, ओके कमल सर है। सर थैंक यू सो मच, सीरियसली मतलब जो एक्सपीरियंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोग यादें बना रहे हैं ना, उसमें आप हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।